नमस्कार दर्शकों, सुरों के सफर सुरीला सफर में आप सभी का स्वागत है। महफिलों में वाह वाह की दाद लेने वाले गजलों को आम आदमी की जुबान पर चढ़ाने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो है जगजीत सिंह। तो हमने सोचा क्यों ना आज के सफर को उन्हीं की याद में सजाया जाए। तो चलिए बुलाते हैं कमलेश शर्मा जी को और सुनते हैं उनकी प्यारी गजल। सरकती सरकती जाए हैं रुख से नकाब आहिस्ता सरक रुख से नफा आहिस्ता आहिस्ता निकलता आ रहा है आफ़ता आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए रुख से नफा आहिस्ता आहिस्ता जवां होने लगे जब तो कर लिया हमसे पर्दा पर्दा कर लिया पर्दा कर लिया पर्दा कर लिया जवां होने जब वो तो कर लिया हमसे पर्दा हया यखलक हया यखलक आयो शबाब आहिस्ता आहिस्ता हया यखलक आयो शबाब आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए रुख से नफ़ाब आहिस्ता आहिस्ता शबे फुरकत का जागा हूँ शबे फुरकत का जागा हूँ फरिश्तों अब तो सोने दो शबे फुरकत का जागा हूँ फरिश्तों अब तो सोने दो कभी फुरसत कभी फुरसत कर लेना
जगजीत सिंह जी का जन्म हुआ राजस्थान में एक पंजाबी परिवार में। उनके पिता चाहते थे कि वो बड़े होकर बड़े अधिकारी बने और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिस्सा लें, लेकिन उन्होंने उनके अंदर संस्कार डालने के लिए संगीत की शिक्षा को ज़रूरी समझा और शास्त्रीय संगीत की तालीम में लगा दिया। इसका असर ये हुआ कि जगजीत सिंह जी काफ़ी अनुशासनशील हुए, साथ ही साथ उनकी रुचि संगीत में बढ़ी। तो किस तरह से उनका रुझान गायकी की ओर हुआ ये मैं आपको बताऊंगी, पर पहले सुनते हैं एक खूबसूरत नगमा जिसे लेकर आ रहे हैं कमलेश शर्मा। तुमको देखा तो ये एक गजब सी रूहानियत जिसे हम कहते हैं जगजीत सिंह की आवाज में, वो रूहानियत है। वो गालिब की रचना को पढ़ें या फिर कबीर की रचना को या किसी आम व्यक्ति के कलाम को, वो इतनी शिद्दत से गीतों को अपने सुरों में ढालते हैं कि गज़ल दिल को छू लेती है। यही खास बात है कि बचपन में उन्हें बुलबुले राजस्थान भी कहा जाता था। वो अक्सर महिलाओं के संगीत में शामिल होते थे और वहाँ गीत गाया करते थे। फोक संगीत पर भी उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ थी। फिल्मी गायन में भी उन्हें काफ़ी सराहा गया। उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत है झुकी झुकी सी नज़र। चलिए आनंद लेते हैं इस प्यारे से गीत का। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा ससे दिल में प्यार है कि नहीं। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है
प्यार है के लिए झुकी झुकी सी नजर तू अपने दिल के जहां के बता तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता मेरी तरह जवान होती है वो पलेक जिसमें मोहब्बत जवान होती है उसे एक पल का तुझे इंतजार सुरों का ये सफर जारी रहेगा आगे भी, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा विराम। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है सुरों के सफर सुरीला सफर में। हम बात कर रहे हैं जगजीत सिंह जी के बारे में। जानते हैं दोस्तों, उनके कॉन्सर्ट के लिए बहुत सारे दर्शक इतने ज़्यादा ललायत रहते थे कि कई बार तो उन्हें सोचना पड़ता था कि मैं रियाज कितना करूं। वैसे वो अपने प्रभावी जीवन में हमेशा ही बहुत ही अनुशासनशील रहे हैं। उन्होंने हमेशा डिसिप्लिन का ध्यान रखा है। रोज़ सुबह 6 बजे उठना, वॉक पर जाना और 1.5 घंटे का रियाज उनकी दिनचर्या का हिस्सा रहा। इसी वजह से वो हमेशा फिट एंड फाइन रहे। और हाँ, उन्होंने कभी भी अपनी आवाज़ के लिए कोई अलग तरह का ट्रीटमेंट नहीं किया, यानी कि कोई अलग तरह का अभ्यास नहीं किया। उन्हें लगता था यदि आपकी दिनचर्या बहुत नियमित है और आप योग अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी आवाज़ आपका साथ देती है। बहुत सारे साक्षात्कार में उनसे पूछा जाता था कि आप हमेशा दर्द भरे नगमे गाते हैं, तो वो ये कहते थे कि जो हैप्पीनेस वाले सॉन्ग हैं यानी जो खुशी वाले सॉन्ग होते हैं उसमें दिल को छूने वाली बात नहीं होती और दर्द भरे नगमों में दिल को छूने वाली बात होती है, इसलिए वो मेरी पहली पसंद हुआ करती है। तो चलिए इसी बात पर उनका एक और खूबसूरत गीत हम सुन लेते हैं। ला 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 होश वालों को खबर बेखुदी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है,
जिए इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है। नजरें क्या मिली रोशन फिजाएं हो गई। उनसे नजरें क्या मिली रोशन फिजाएं आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है। खुलती जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी। मौसमों को शायरी झुकती आँखों ने बताया मैं खुशी क्या चीज है। झुकती आँखों ने बताया मैं खुशी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है। संगीत में वो जादू है दोस्तों जो आपको अपना बना लेता है। शायद यही वजह है कि गीत और संगीत हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जगजीत सिंह जी के साथ एक खास बात ये रही कि वो अपने संगीत में इतना घुल जाते थे कि उनके सुर और संगीत एक दूसरे के पर्याय लगने लगते थे। आज वो भले ही हमारे बीच नहीं है लेकिन उनके गाए हुए नगमे हमेशा हमें उनकी याद दिलाएंगे। तो चलिए चलते चलते सुनते हैं उनका एक और खूबसूरत नगमा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Ah
शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, सकता है कोई भुलाए नहीं, भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो छोटी सी रातें, वो अपने घर से निकलना, वो चिड़िया वो बुलबुल वो तितली पकड़ना, वो गुड़िया की शादी लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना, वो गिर के संभलना, वो पीतल के छलों के प्यारे से तोहफे, वो पीतल के छलों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, वो टूटी हुई चूड़ियों की
बना के मिटाना, वो मासूम चाहत तस्वीर अपनी, वो ख्वाबों खिलौनों की जागीर अपनी, न दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन, न दुनिया का गम रिश्तों के बंधन, बड़ी